रहे हैं अविनाश, कहा गया गेम चेंजर ये योजना साबित हुई है और अभी इसका एक्सटेंशन यानी कि फेज टू की शुरुआत होने वाली है, क्या आप चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और इसके इतर अगर देखें लाभार्थियों को बहुत फायदा भी मिला इससे? देखिए बिल्कुल कुंदन, सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक फ्लैगशिप योजना है बीजेपी की और 2017 से पहले 2016 में इसी योजना की शुरुआत खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बलिया से की थी और 2022 से पहले चूंकि महोबा से इसके दूसरे चरण की शुरुआत होने जा रही है तो निश्चित तौर पर इसको लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं, क्योंकि एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाजपा की जो भी रैलियाँ होती हैं या जो भी सभाएँ होती हैं उसमें कहीं ना कहीं उज्ज्वला योजना का जिक्र, चाहे हम प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, मुख्यमंत्री की बात करें या जो दूसरे तमाम नेता हैं भाजपा के उनकी बात करें, हर कोई करता है। और चूंकि इस योजना के तहत उन लाभार्थियों को LPG कनेक्शन मिलने वाला है जो इससे वंचित रह गए थे, तो निश्चित तौर पर इसको अगले चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि देखिए एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि भाजपा हर बार बोलती है कि हमने उन घरों में जो गरीब परिवार थे उनको गैस कनेक्शन देने का काम किया जो कि अभी तक वंचित है इससे, तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि, और देखिए एक इसमें सबसे बड़ी बात यह भी है कि 1 करोड़, चूंकि भाजपा ने और सरकार ने एक लक्ष्य तय किया है कि कम से कम 1 करोड़ लोगों को इसमें LPG कनेक्शन देना है और ये तय माना जा रहा है कि 1 करोड़ में से सबसे ज़्यादा जो लाभार्थी होंगे वो यूपी के होंगे, क्योंकि जब इसके पहले चरण की शुरुआत हुई थी 2016 में तो उस वक्त लक्ष्य सरकार ने तय किया था कि 5 करोड़ लाभार्थियों को कनेक्शन देना है, लेकिन हालांकि उसको बढ़ाकर 8 करोड़ किया गया और उसमें से देखिए सबसे अहम बात यह है कि 2 करोड़ अकेले जो लाभार्थी थे यूपी के थे, तो वैसे में ये माना जा रहा है कि चूंकि आज खुद मुख्यमंत्री वहाँ पर मौजूद होंगे, PM दिल्ली से वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और चूंकि 1 करोड़ का जो लक्ष्य सरकार ने तय किया है उसमें से सबसे ज़्यादा जो लाभार्थी होंगे वो यूपी से होने जा रहे हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आप इस खबर पर जानकारी देने के लिए अविनाश आपका। तो CM योगी आज हेल्थ वॉरियर पोर्टल को भी लॉन्च करेंगे, 9:45 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए CM योगी पोर्टल को लॉन्च करेंगे। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। हेल्थ वॉरियर पोर्टल को लॉन्च करने के बाद CM योगी 10:30 महोबा, हमीरपुर और जालौन के दौरे के लिए रवाना हो जाएंगे। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर बीजेपी ने प्रदेश के 2 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण देने का फैसला किया है। आज इसे लेकर लखनऊ में बीजेपी एक अहम प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन करने जा रही है। इस कार्यशाला में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहेंगे। जानकारी के मुताबिक 11:30 लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इस प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन होगा। बीजेपी के मंशा है कि स्वास्थ्य स्वयं सेवकों को ट्रेनिंग देकर आने वाले समय में लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक किया जाए ताकि उनकी जान बचाई जा सके। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर से बातचीत करने के लिए। अविनाश, तीसरी लहर के मद्देनजर ये तैयारी है या फिर 2 लाख कार्यकर्ताओं को, वॉलंटियर्स को जोड़ करके लोगों तक एक तरीके से स्वास्थ्य के जरिए ही कनेक्ट करना भी एक मकसद है? देखिए इसमें कुंदन दोनों ही चीज़ें हैं, क्योंकि आपको याद होगा कि जब दूसरी लहर का प्रकोप यहाँ पर आया था यूपी में तो उसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे, तो भाजपा की इस बार कोशिश ये है कि अगर जो संभावित तीसरी लहर है अगर वो आती है तो उसे किस तरीके से निपटा जा सके, तो उसको लेकर चूँकि जो वॉलंटियर्स हैं उनको पहले से तैयार किया जा सके और चूँकि एक बहुत साफ सी बात है कि आगामी 2022 में विधानसभा का चुनाव होना है तो उसमें भी ये जो वॉलंटियर्स हैं एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि जो आज का प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और चूंकि देखिए एक अहम बात ये भी है कि जब संघ की यहाँ पर बैठक हुई थी 2 दिनों तक तो उसमें उस बैठक में तय किया गया था कि हर गाँव में कम से कम 5 जो वॉलंटियर्स होंगे वो संघ की तरफ से तैयार किए जाएंगे जो कि कोविड की तीसरी लहर को देखते हुए वो काम करेंगे। हालांकि देखिए भाजपा का ये कहना है कि इसमें संघ की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जो संघ ने पूरा एक प्रारूप तैयार किया था, जो पूरा खाका तैयार किया था, उसी के मद्देनज़र ये आज का जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है वो होने जा रहा है और इसमें जो तमाम जो वॉलंटियर्स होंगे उनको ना सिर्फ कोविड को लेकर बल्कि आगामी जो भी चीज़ें होंगी, चाहे हम कोविड की बात करें या फिर दूसरी आपदाओं की बात करें, तो उसके लिहाज से इनको तैयार किया जाएगा और ना सिर्फ ये कोविड और दूसरी आपदाओं के लिए काम करेंगे बल्कि भाजपा के पक्ष में ये माहौल बनाने का भी काम करने वाले हैं।
शुक्रिया अविनाश इस खबर पर जानकारी देने के लिए आपका। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का भी दौरा करेंगे। सीएम महोबा, हमीरपुर और जालौन जाएंगे। महोबा में उज्ज्वला योजना के कार्यक्रम में शामिल होने के बाद हमीरपुर और जालौन के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। सीएम योगी बाढ़ प्रभावितों को राहत सामग्री बांटेंगे। इसके अलावा राहत कैंप का भी जायजा लेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे।